हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नर्मदा नीर संघर्ष समिति ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, अविलंब नियमित पेयजल की आपूर्ति प्रारंभ करने की मांग। नर्मदा नीर संघर्ष समिति भिनमाल ने गुरुवार को नर्मदा ईआर प्रोजेक्ट के अंतर्गत भिनमाल शहर एवं क्षेत्र में नर्मदा पेयजल योजना को अति शीघ्र क्रियान्वित कर नियमित आपूर्ति करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर नम्रता ऋषि को एक ज्ञापन सौंपा। नर्मदा नीर संघर्ष समिति की ओर से कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया कि जालौर जिले में नर्मदा पेयजल की आपूर्ति के लिए नर्मदा ईआर प्रोजेक्ट 2008 में स्वीकृत हुआ था। वर्ष 2013 में इसके वर्क ऑर्डर जारी हुए, जो कि वर्ष 2016 तक इस कार्य को पूर्ण किया जाना था और पूरे जिले में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जानी थी, लेकिन सांचौर स्थित RWR पालड़ी सोलंकियान से भिनमाल मुख्यालय की दूरी मात्र 86 किलोमीटर होते हुए भी इतने वर्ष पश्चात पेयजल की आपूर्ति नियमित नहीं हो पाई है। 307 गांव अभी तक नर्मदा के जल से महरूम। ज्ञापन में बताया कि भिनमाल शहर में तो सप्ताह में मुश्किल से एक दिन पेयजल की आपूर्ति हो पाती है। अब आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि नगरवासी और क्षेत्रवासी पेयजल के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करते होंगे। ज्ञापन में बताया कि भिनमाल सहित जिले के 307 गांव अभी तक नर्मदा के जल से महरूम हैं। ग्रामवासियों की ओर से सैकड़ों बार समय समय पर राज्य सरकार और संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है, उसके बावजूद 2016 से अब तक भी नर्मदा के पेयजल की आपूर्ति ना हो पाने के चलते भिनमाल और आसपास के क्षेत्र के नागरिकों ने लोकतांत्रिक तरीके से पिछले 8 अगस्त 2021 से शांतिपूर्ण आंदोलन प्रारंभ कर रखा है, जिसके तहत प्रतिदिन नर्मदा नीर संघर्ष समिति की तत्वावधान में विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है। जागरूक टीवी के भिनमाल से खास रिपोर्ट।